सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको हिबिस्कस प्लांट को हार्ड प्रून कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर हमें लेने के लिए हार्ड प्रूनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है तो इस बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपके प्लांट में कुछ इस तरह से ग्रोथ दिखाई देने लगे, जैसे कि बहुत रुकी हुई और उसमें कलियाँ भी आ रही हैं लेकिन बहुत कम आ रही हैं, तो आपको प्रूनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ महीने पहले मैंने आपको इस प्लांट की रूट बाउंडिंग को दूर करने का प्रोसेस बताया था कि कैसे आप इनकी रूट बाउंडिंग दूर करेंगे, क्योंकि रूट बाउंडिंग भी बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे हिबिस्कस प्लांट में ग्रोथ होने की। तो अगर रूट बाउंडिंग हो गया तो आपके प्लांट पे ग्रोथ नहीं होगी, उसमें फ्लावर नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके प्लांट में हार्ड प्रूनिंग करना और रूट बाउंडिंग को दूर करना। इस दो बातों को ध्यान रखिए, और फिर उसके बाद अगर आप इनमें फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपके प्लांट में पूरी तरह से जो फ्लावरिंग है वो खिल के आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे 12 इंच के पॉट में बहुत सारे आपको फ्लावर दिख रहे होंगे, तो इसी तरह से आपके प्लांट में भी बहुत सारे फ्लावर आपको ब्लूम होते हुए दिखाई देंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने रूट बाउंडिंग की वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख के इनकी रूट बाउंडिंग को कम कर सकते हैं। और हिबिस्कस के प्लांट की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये कि वाइट मिली बग जैसे कीड़े इन पे अटैक कर देते हैं और हमारा प्लांट धीरे धीरे करके सूखने लगता है और ख़राब हो जाता है। उन पे जो भी कलियां आती हैं वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं या उनकी ग्रोथ रोक देते हैं। तो आप जैसे ही इनको देखें तो इनका ट्रीटमेंट ज़रूर से करें। तो ये वाइट मिली बग जो कीड़े होते हैं उनको आप अपने हिबिस्कस के प्लांट से हटाना चाहते हैं, तो उन पे मैंने घरेलू तरीके से कैसे पेस्टिसाइड बनाए और उसको अपने प्लांट पे अप्लाई करके सिर्फ 5 मिनट में इनसे छुटकारा पा सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर से जाके देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हिबिस्कस प्लांट में हमें हार्ड प्रूनिंग क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारा जो प्लांट है हार्ड प्रूनिंग के जरिए नए ब्रांचेस को ग्रो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इससे पहले भी अपने हिबिस्कस प्लांट को हार्ड प्रून कर चुका है और इसके बाद भी इसमें बहुत सारी आपको ब्रांचेस मल्टीप्लाई होती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरह से ये बार बार मल्टीप्लाई होते रहते हैं और हमें नई ब्रांचेस मिलती हैं जिसपे बहुत सारे अच्छे फ्लावर आते हैं। अगर हिबिस्कस प्लांट की प्रूनिंग की बात करें तो सबसे अच्छा मौसम जो होता है बारिश के बाद का होता है, यानी सितंबर अक्टूबर में आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं, और आप बारिश के मौसम में भी इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कभी कभी कुछ इंसेक्ट इन पे अटैक कर देते हैं जिससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप जो भी प्रूनर यूज़ कर रहे हैं उसको पहले डेटॉल या आपके पास कोई भी फंजीसाइड हो आप उससे भी इनको साफ़ कर सकते हैं। तो आप पहले अपने प्रूनर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने प्लांट को प्रून करिए जिससे इनमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। हार्ड प्रूनिंग करने के लिए हमें प्लांट की मोटी मोटी जो ब्रांचेस होती हैं उनको काट के हटाना होता है, यही हार्ड प्रूनिंग कहलाता है। और सॉफ्ट प्रूनिंग में हम जब प्लांट की जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं या लाइट ब्रांचेस होती हैं उनको जब हम रिमूव करते हैं काट के, तो वो सॉफ्ट प्रूनिंग कहलाता है। तो ये हम आज हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको देखना है पूरी तरह से प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से प्रून करना है। आपको हार्ड जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनको आपको प्रून कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारी ब्रांचेस को प्रून करेंगे। तो आपको इस तरह से हार्ड प्रूनिंग करना है, आप देख सकते हैं, आप इस तरह से मोटी मोटी जो ब्रांचेस होती हैं उनको प्रून करके हटा देना है जिससे हमारी जो नई ब्रांचेस हैं वो इनसे ग्रो होंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसी प्लांट पे अलग अलग कलर के हिबिस्किस की ब्रांच को ग्राफ्ट भी किया है और इस पे हमें अलग अलग कलर के फ्लावर मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने वी ग्राफ्टिंग किया है और बहुत अच्छे से सक्सेस आप देख सकते हैं हो चुका है और इसमें फ्लावर भी आते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसमें आपको अलग कलर के फ्लावर ब्लूम होते हुए भी दिखाया था। प्लांट को जिस दिन आपने प्रून किया हो यानी इसकी कटिंग की हो, तो उस दिन आप इस प्लांट में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र मत दीजिए। इसका जो कटिंग वाला भाग होता है जहाँ पे हमने कटिंग की है, हो सकता है वहाँ से इसमें धीरे धीरे सूखने की समस्या आ जाए और हमारा प्लांट जो है बर्न होके ख़राब हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने प्लांट को आप जब भी प्रून करिए आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन अपने प्लांट में उस दिन फर्टिलाइज़र मत दीजिए। लगभग 1 से 1.5 हफ्ते बाद आप प्लांट को दे सकते हैं फर्टिलाइज़र किसी भी तरह का।
प्लांट को प्रून करने के बाद अब हम एक फंजीसाइड का ऐसा पेस्ट बनाएंगे। आपको इस तरह से कोई भी फंजीसाइड ले लेना है, उसको पेस्ट बना के आपके कटे हुए जो प्लांट का भाग है उस पर आप इस तरह से ज़रूर से लगा दीजिए, जिससे इस पर कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और हमारा प्लांट सूखने से बच जाएगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का फंजीसाइड नहीं है तो इसकी जगह पे आप हल्दी पाउडर या दालचीनी पाउडर के पेस्ट को इस तरह से बना करके लगा सकते हैं इस पर। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है अपने प्लांट से ज़्यादा फ्लावर लेने का। तो किसी भी तरह का प्लांट हो, ट्री वाला, जिस पे फ्लावर ना आ रहे हो, तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने ज़मीन में भी प्लांट लगा रखा है तो उसको भी आप इसी तरह से प्रून करिए। हिबिस्कस प्लांट की प्रूनिंग के लगभग 35 दिन बाद आप देख सकते हैं ऐसा रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने जो प्रूनिंग किया था, आप देख सकते हैं नई नई ब्रांचेस उसमें से ग्रो होना शुरू हो गई हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी अब ब्रांचेस होने लगी हैं। तो इनमें जल्दी बड्स आने लगेंगी और ये हमारा जो प्लांट है जल्दी से ब्लूम करना शुरू कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जहाँ जहाँ प्रूनिंग किया था वहाँ वहाँ फंजीसाइड का पेस्ट लगाया था, जिसके कारण हमारी सारी ब्रांचेस बिल्कुल हेल्दी हैं। उसमें कोई भी ब्रांचेस आप देख सकते हैं काली पड़ के ख़राब नहीं हो रही है, ना सड़ रही है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होती है जिससे हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करता है। हिबिस्कस प्लांट को प्रून किए आज पूरे लगभग 40 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो हिबिस्कस प्लांट है प्रून करने के बाद फिर से नई नई ब्रांचेस ग्रो करने लगा है और उसमें अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर फ्लावर इसमें ब्लूम होने लगा है और जल्दी और भी ब्रांचेस अच्छे से बड़ी हो जाएंगी और इनमें बहुत सारे फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके प्लांट में हल्की सी पत्तियों में पीलापन दिख रहा है तो अब हमें प्लांट में फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। तो अब हम प्लांट के पॉट में अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद अब हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो DAP है और यूरिया है। तो यूरिया वाइट कलर की होती है और DAP ब्लैक रंग के दाने होते हैं। तो इनके लगभग 30-30 दानों को हमने लिया है और 12 इंच के पॉट में हमें इस तरह से स्टेम से दूरी पर आपको चारों ओर फैला देना है और इनको अच्छे से मिला करके आपको इसमें पानी दे देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पॉट का साइज़ अगर और ज़्यादा बड़ा है तो आप लगभग 10-12 दाने और इसके साथ ऐड कर लीजिएगा, और अगर पॉट का साइज़ इससे कम है तो आप 10-12 दाने को कम कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप इनको लगभग 15 दिन पे अपने प्लांट को देंगे तो आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छी होने लगेगी, आपके प्लांट का पीलापन दूर हो जाएगा और वो अच्छे से ग्रो होने के बाद फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा। तो ये था हिबिस्कस प्लांट को हार्ड प्रूनिंग करने का प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।